रामकृष्ण हरी मौली, जय शिवराय। सर्वप्रथम हेल्पिंग नेचर विक्रम मध्ये माझ्या सर्व सभासदांचं हृदयातून मनपूर्वक आभार। मला पूर्ण विश्वास आहे हेल्पिंग नेचर विक्रमाला जो जोडले गेलेला प्रत्येक सभासद आहे तो कुठल्या ना कुठल्या तरी ईश्वराला मानणार आहे आणि आपल्या हातून समाजासाठी काहीतरी मदत व्हावी या हेतूने आपण सर्वजण हेल्पिंग नेचर विक्रमाला जॉईन झाला। त्यामुळे पुन्हा तुम्हा सर्वांचं हृदयातून आभार। रामकृष्ण। हेलो दोस्तों, हेल्पिंग नेचर विक्रमा में आप सभी का स्वागत है। राधे कृष्ण दोस्तों, हर हर महान। दोस्तों, मदद यानी हेल्प एक ऐसी चीज है जो आज इस पूरी दुनिया में इतनी महंगी होती जा रही है कि कोई किसी की मदद करने को ही तैयार नहीं है। दोस्तों, मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि समाज के लिए हम क्या क्या कर सकते, तो दोस्तों समाज के प्रति करने के लिए इतना कुछ है कि मैं 2 घंटे भी आपको बताऊंगा ना तो भी खत्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें जो भी हेल्प करनी है ना समाज की, वो हम डायरेक्ट करेंगे। वो कैसे आगे आपको पता चल जाएगा। तरी या जगात प्रत्येकाचं असंच मत आहे कि देवाने आधी माझी मदत करावी नंतर मी दुसऱ्याची मदत करेन। ते कसं शक्य आहे? या जगात फक्त 3च अशा शक्ती आहेत, सोर्स, कि ते आपल्याला न मागता देतात। त्यातील प्रथम स्त्रोत म्हणजे नेचर, निसर्ग। हा निसर्ग म्हणजेच देव, आणि माझ्या मते देव म्हणजेच निसर्ग। पण आजपर्यंत देव कुणाला दिसलाही नाही किंवा भेटलाही नाही, तो भेटला फक्त संतांनाच, कारण प्रत्येक संतांचं निसर्गावर प्रेम होत। आणि दुसरा आणि तिसरा सोर्स म्हणजे ते आहेत आपले आई वडील। तेही आपल्याला न मागता गरजेचं जे आहे ते आपल्याला देत असतात। मित्रांनो, आपल्याला लहानपणापासूनच सांगण्यात आलं की निसर्ग आपला मित्र आहे। निसर्ग आपला मित्र आहेच, पण मला त्यात थोडासा बदल करावा असा वाटतो। नेचर इज अ गॉड, निसर्ग देव आहे। हे वाक्य प्रत्येक धर्मातील व्यक्तीने आपल्या लहान मुलांना सांगणं गरजेचं आहे। निसर्गाला जे आपण देऊ त्याच्या कितीतरी पटीनं तो आपल्याला रिटर्न देत असतो। आणि हेच वाक्य आपल्याला माणूस म्हणून जगताना आयुष्यभरासाठी लागू होतं। जे तुम्ही दुसऱ्याला द्याल तेच तुम्हाला 10 पट रिटर्न मिळणार आहे। तर आता आपणच ठरवायचं आहे या समाजाला, या जगाला, या निसर्गाला आपल्याला काय द्यायचं ते। जे पण द्याल ते 100% रिटर्न मिळणारच। या शरीराला जन्म निसर्गानेच दिला आणि हे शरीर परत निसर्गातच विलीन होणार आहे। तर मग नेचर इज अ गॉड। दोस्तों, हर एक गांव में 1 या 2 ऐसे परिवार होते जो बिल्कुल निराधार होते। किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई इनकम सोर्स नहीं। कुछ ऐसे ही परिवारों को ढूंढकर हेल्पिंग नेचर विक्रम उन तक मदद पहुंचाएगा। इसीलिए दोस्तों, हेल्पिंग नेचर विक्रम को सब्सक्राइब करो और घर बैठे बैठे किसी की हेल्प करने का अनुभव। दोस्तों, और एक खुशी की बात है, हेल्पिंग नेचर विक्रम को पहले दानी यानी दाता मिले हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हेल्पिंग नेचर विक्रमा के पहले दानी यानी दाता बने हैं मेरे मुंबई के दोस्त, मेरे गुजराती भाई समाज सेवक गुणवंत शाह और उनकी पत्नी भावना शाह। वो दोनों खुद भी समाज की सेवा करते हैं, फिर भी उन्होंने 5,000 रुपए का दान देते हुए मुझे कहा कि मैं देखना चाहूंगा ये जो दान है तू उन गरीब परिवारों तक कैसे पहुंचाएगा। और गुणवंत भाई जी के बारे में मैं आपको गाड़ी में चलते चलते आगे बताऊंगा। और भी सबसे पहले हम जाने वाले तीर्थ क्षेत्र वाल्मीकि, तो चलते हैं तीर्थ क्षेत्र वाल्मीकि। ऐसा क्षेत्र जो पूरी दुनिया में फेमस होना चाहिए था, हम करेंगे। हम सब मिलके वाल्मीकि ऋषि मुनि की जो रामायण लिखी हुई है पूरी दुनिया पूरा छान जानता है। चलो हम आगे बात करेंगे गाड़ी में। तो दोस्तों, इस 5,000 की जो दान में आई हुई जो राशि है उसके हम
दो भाग बनाएंगे, उसे डिवाइड करेंगे हम और दो फैमिली तक हम पहुंचाएंगे। तो दोस्तों हम आए किराना स्टोर। ये सब किराना स्टोर का सामान है, घर में लगने वाली जरूरत की चीजें इसमें हमने ली है। टोटली 2000 रुपयों का ये सामान है और 500 नगद, ऐसा पूरा पैकेज हम एक परिवार को देंगे। ये जो गुणवंत भाई जी ने हमें 5000 रुपये का दान दिया था, वो हम हेल्पिंग नेचर विक्रमा के माध्यम से ये सब देने वाले हैं किसी ऐसी गरीब फैमिली को जिन्हें इसकी बहुत ही जरूरत है। अशा दोन बैगा बनवले आम्ही। मेरे घर से तीर्थक्षेत्र वाल्मीकि की दूरी 25 से 30 किलोमीटर कुछ है और इस जर्नी के बीच में हम वो दान देने वाले हैं। और ये जो भी मदद गुणवंत भाई जी से हमें आई है वो हम ऐसी दो फैमिली को देंगे जिन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। ये नाईकबा करके देवस्थान है, भाविकों की यहाँ भी बहुत भीड़ रहती है। ओ मामा इकड़े आओ जरा, और मामा कैसे हो? मस्त है ना? अरे यार हिंदी बात कर रहे हो आप? हिंदी में आते? मुंबई में 40 साल रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, हिंदी बात आती है फिर? तो मैं क्या बोल रहा था, कुछ ऐसा परिवार मतलब कि उसका कोई कमाने वाला नहीं है ना, कोई मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी परिवार नहीं है इधर तो, कोई नहीं है ना आपके हिसाब से? तो अच्छा है ना यार, ऊपर वाला मेहरबानी इसे हर गांव पे करे। तो दोस्तों उनसे मैंने पूछा कि ऐसी कोई फैमिली है क्या, तो आगे सनबुर करके है, उधर शायद किसी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम है, तो उधर जाके हमको पता करना है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों हम पहुंचे सनबुर में, यहाँ से दो रोड मिलेंगे आपको। रामकृष्ण हरी मौली, रामकृष्ण हरी। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो गांव है आपका सनबुर, सनबुर गांव में, तो मेरा सबसे पहले मैं एक बोलना चाहूँगा कि मेरा हेल्पिंग नेचर विक्रमा चैनल है, हेल्पिंग नेचर विक्रमा। मेरे गुजराती भाई है गुणवंत शाह करके, तो उन्होंने मेरा हेल्पिंग नेचर विक्रमा का काम देख के उन्होंने 5000 अपने को हमारे चैनल को हेल्पिंग नेचर विक्रमा को डोनेट किया। तो उस 5000 की रकम उन्होंने जो दी है अपने को, तो उसको क्या करने वाला मैं 2500 के दो अलग अलग दो फैमिली को देने वाला हूँ इसे में। तो मैं सोचा कि तुम्हारे इधर ऐसे कोई ऐसी फैमिली है जरूरतमंद की जो बिल्कुल निराधार है, ऐसा कोई फैमिली है तो मैं ये गांव का रहवासी है, माजी मुख्य है। मेरे गांव का एक 22 साल का लड़का है, उसको एक बीमारी इधर दिमाग में कुछ पेशी वेशी कम हो गया ऐसा मालूम पड़ा, इसके लिए यहाँ से हम हमारे गांव से बम्बई में के एम में भेज दिया है। अभी के एम में तो ऐसी ही फैमिली है, हाँ। तो पहले डायरेक्ट जाके उन फैमिली से बात करेंगे। तो अपने पास भी इतना दोस्तों आपको पता है इतना, हाँ। कोई वीडियो नहीं देखता, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, नहीं। तो हम डायरेक्ट उधर जाते हैं, एक काका हमसे उधर भी बात करेंगे, जो भी जानकारी चाहिए वो हमें उधर जाके देंगे। तो चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट उसी जगह पे जिस फैमिली को इस मदद की जरूरत है, तो चलते। जय माता दी, जय माता दी।
तो दोस्तों ये है उनका घर। तो रामकृष्ण हरी माउली, रामकृष्ण हरी। मैं हिंदी में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इन्हें हिंदी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो ये हमें मराठी में बोलेंगे, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो देखते हैं इनका क्या प्रॉब्लम है। तुमच्या मुलाचं काय प्रॉब्लेम झालेला, काय सांगाल तुम्ही? अजय आनंद कुंभार, 22 वर्षाचा माझा मुलगा। तो दोस्तो ये भाई है मेरे, इनका नाम क्या है तुमचा? आनंद शंकर कुंभार। आनंद कुंभार, इनका लड़का 22 साल का है, उसकी उम्र कुछ 22 साल है ना? 22 साल। तो वो कुछ थोड़े दिन पहले गांव आया था एक दो दिन के लिए, तो एक दिन दो दिन के बाद उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसे एडमिट किया गया है। तो उसे मायास्थेनिया ग्रेविस ऐसी नामक कोई बीमारी है जो उसका खर्चा ये लोग नहीं संभाल पा रहे। उसका एक एक इंजेक्शन ऐसा कुछ 25,000 रुपये का कुछ आता है ना, कुछ 22,000 या 25,000, अब तक इन्होंने कितना इंजेक्शन दिया है उस बच्चे को? अब तक कितना इंजेक्शन? 25 से 26 इंजेक्शन लग चुके हैं उस लड़के को, अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है। तो दोस्तों गुणवंत भाई जी की तरफ से हमें जो दान मिला था उसका आधा भाग हम इस कुंभार फैमिली को दे रहे हैं, और इनके लड़के की सेहत के लिए ऊपर वाले से दुआ करेंगे। तो मैं आपको आपकी तरफ देना चाहूंगा, दान तुम्हाला आलं तर तुम्हाला जे वाटते काय म्हणायला वाटते, खुशी वाटते काय वाटते तुम्हाला? खुशीच वाटते बाबा, आम्हाला है ना गरजच आहे ज्या मनात सध्या, है ना गरजच आहे, मग त्या ईश्वरानं मला तुमच्यापर्यंत पोहोचवलंय। हे बघा, हेल्पिंग नेचर विक्रमाचं विठ्ठल रुक्माई माझं आहेत, त्या विठ्ठल रुक्माईला तुमची म्हणजे काहीतरी कणवळ आली म्हणून मी इथपर्यंत पोहोचलोय। कारण ह्या मामांनी, मी तिथून जात होतो वाल्मिकी तीर्थक्षेत्र, असंच मला कोणतरी शोधायचं होतं की कोण गरज म्हणत आहे, तर ह्या मामाने तुमचं नाव सांगितलं आणि मला वाटतंय खरोखर त्या पांडुरंगाचं त्या काहीतरी पांडुरंगानं तुमचा विचार केला असेल म्हणून मी इथपर्यंत पोहोचलो आहे आणि हे तुमच्यापर्यंत पोहोचलंय। तर तुम्हाला त्याचा कधी आनंद वाटला? वाटला ना। तर तुम्ही ज्या माणसानं आपल्याला ईश्वर तुम्हाला दान दिले त्याचं भगवान आपको लंबी उमर दे दो, उमर दे दे। तो ये इनके गाव के माजी मुखिया उत्तम जाधव करके, तो इनके समक्ष में इनको ये जो भी हेल्प हम इनको कर रहे हैं वो मैं इनके हाथ में देता हूँ और इन्हें बोलता हूँ कि ये मदद आपके गांव वालों को सौंपे करके। ये गुणवंत भाई जी ने जो हेल्प की थी अपने को 5,000 की, उस 2,000 का सामान और 500 रुपया नगद, ऐसा 2,500 की इनको हमने हेल्प की है। तो दोस्तों जो लड़का बीमार है उसका नाम है अजय कुमार कुंभार, अजय कुंभार वो इनका लड़का है। तो बेचारे ये दर दर भटक के 10 जगह हेल्प मांग के थक चुके हैं। इनकी वाइफ हॉस्पिटल में है उन इनके बच्चे के साथ। तो आप इनके लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं हमारे हेल्पिंग नेचर विक्रमा के माध्यम से, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपने जो भी हेल्प की है मैं हैंड टू हैंड इन्हें पहुँचा दूँगा और हेल्पिंग नेचर विक्रमा के माध्यम से आपको दिखा भी दूंगा, इसलिए प्लीज हेल्प देम। रामकृष्ण हरी। तो दोस्तों चलते हैं तीर्थक्षेत्र वाल्मीकि, आगे और एक दान हमें देना है और एक गरीब फैमिली को ढूंढना है जिसे इस दान की आवश्यकता है, जरूरत है। तो चलते हैं दोस्तों रामकृष्ण हरी। तुम्हाला इकडे जाणार तुम्ही